सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी एसटी एक्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों के भारत बंद के आह्वान का आजमगढ़ में हिंसात्मक असर देखने को मिला। भीमसेना, बसपा कार्यकर्ताओं और कई दलित संगठनों से जुड़े लोगों ने जगह जगह उग्र प्रदर्शन किया। आजमगढ़ के सगड़ी में प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया। अराजक तत्वों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की तो सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने तहसील परिसर में एसडीएम और पुलिस के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उपद्रव को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस के साथ पीएसी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। सोमवार देर शाम तक डीएम और एसपी मौके पर डटे रहे। आपको बता दें कि भारत बंद के दौरान आजमगढ़ में शहर से लेकर गांव तक दुकानें खुली रहीं। दिन में 11 बजे के बाद दलित संगठनों ने जगह जगह जुलूस निकाला। इस दौरान अजमतगढ़ ब्लॉक में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में जमकर पथराव हुआ, जिसमें एक दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं सगड़ी तहसील कार्यालय पर लगभग 5000 की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने तहसील कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। एसडीएम और पुलिस के कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने तहसील गेट के सामने रोडवेज की 7 बसों सहित कई प्राइवेट वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की और रोडवेज की 2 बसों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने इंडो नेपाल बस पर भी पथराव किया, जिससे बस के यात्री सामान छोड़कर भाग निकले। यात्रियों में कई विदेशी नागरिक भी थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन में इंडो नेपाल बस को गोरखपुर के लिए रवाना करवाया। बसों में की गई तोड़फोड़ में चालक परिचालक सहित सैकड़ों यात्री चोटिल हुए। यहाँ पे जाम लगा था, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ा रहे थे, फिर एक बार भगदड़ मचा और उसी में जो है पत्थर चलाना चालू कर दिए, तो हम लोगों को भी लगा है, ये सब हाथ में इनको लगा है, पीछे कमर में। कितनी संख्या में रहे होंगे? अरे कम से कम 200-300, हाँ 2-3 हजार थे सर। क्या मांग थी उनकी, क्या मतलब? अब ये सब हम लोग नहीं सुने, हम लोग तो गाड़ी में बैठे थे। कितनी गाड़ियों तोड़फोड़ हुई? 9 गाड़ी, 2 गाड़ी जलाई गई है और 7 गाड़ी जो है डैमेज हो गया, टूट गया। अलग अलग जी, पुरुष बाजार से जब हम लोग चले तो वो सब 1000-2000 के संख्या में थे। यहाँ तहसील पर आते आते उसके बाद चिक्काबाजी, पत्थर शुरू, ईटा मार, पत्थर सब शुरू, उसमें ज्यादा पैसेंजर बहुत ज्यादा सब घायल हो गए, हम लोग खुद घायल हो गए। कितने पैसेंजर घायल हो गए? अरे घायल होंगे 200-250 पैसेंजर, 7 बस में पैसेंजर पूरा थे, 40 थे तो इसी में थे सभी लोग, सब सबको चोट लगी, सबके एकदम अफरा तफरी, कैसे कैसे भाग के सब अपन जान बचो लोग। पुलिस तो वहाँ 8-10 थे, ठीक पत्थर चलाने लगे, सब पुलिस क्या करेगी 8-10 गो। मौके पर ज्यादा फोर्स कब आई, कितने? अरे वो तो 2 घंटे के बाद आए, 2 घंटे के बाद तो क्या पुलिस ने फायरिंग वगैरह भी किया? फायरिंग वायरिंग कुछ नहीं, फायरिंग वायरिंग नहीं, फायरिंग सुबह सब चले गए। उसके बाद ज्यादा प्रशासन आए, उसके बाद सब भगे, फूकने के बाद भगे। कितनी संपत्ति का नुकसान? अरे संपत्ति तो भाई साहब बहुत, 2 बस तो फूकी गई। क्या अनुमान तक? अरे अनुमान बस 15-16 लाख से कम में थोड़े गाड़ी है, और ये सब 1-2 लाख का नुकसान, 2-2 लाख, 3-3 लाख का ये सब नुकसान। 2 गाड़ी तो फूकी दिए सब, 9 थे एकदम ध्वस्त। आप कहाँ से आ रहे थे? हम गोरखपुर से जा रहे थे बनारस। घटना की सूचना पर डीएम शिवाकांत द्विवेदी व एसपी अजय कुमार साहनी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। एसपी ने बताया कि हिंसा के आरोप में एक महिला समेत 15 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब स्थिति नियंत्रण में है। कि आप लोग जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको लेकर कुछ विरोध की स्थिति थी। यहाँ भी कुछ संगठनों ने जगह जगह पर जाम लगाने का और विरोध प्रदर्शन किया। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जाम लगाया और उसके बाद जब उनको रोका गया तो उन्होंने सरकारी बसों पर पथराव शुरू कर दिया और 2 गाड़ियों में हल्की आगजनी का प्रयास किया, जिसको पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, उसको बुझाया गया और बाकी गाड़ियां सुरक्षित की गई। इसमें पुलिस की त्वरित कार्रवाई में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है जो लोगों को भड़काकर जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, वाहनों के तोड़ने के भी अलग मुकदमे लिखे जा रहे हैं और जो भी व्यक्ति हैं इनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कुछ अन्य व्यक्तियों का भी हाथ इसके सामने आ रहा है जो बैकफुट पे रह के जिन्होंने जानबूझकर उग्र प्रदर्शन कराने का प्रयास किया है, वो भी लोग चिन्हित हो गए हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है और उन पर भी हम लोग एनएसए की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
नहीं, पूरे जिले में माहौल शांत है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जिन दो लोगों को ज्ञापन देना था शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन उन्होंने दे दिया है, ज्ञापन ले लिया गया है, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, एक भी किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये जरूर है कि जाम में थोड़ी देर रुकना पड़ा, लेकिन किसी को भी कोई डैमेज फिजिकली किसी पर्सन को नहीं हुआ है। और यहाँ प्रशासन और पुलिस ने मिलकर सबको जो है सुरक्षित रखा और निकाला और ज्ञापन वगैरह ले लिए गए हैं। वर्तमान में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कार्रवाई आपको हमने बताया कि जो गाड़ियां टूटी उसके मुकदमे लिखे जा रहे हैं, और इसके अलावा रासुका हम लोग इस पे लगाएंगे। साथ ही जो लोग पीछे रह के भड़का रहे हैं उनके ऊपर भी उचित धाराओं में मुकदमे लिखे जा रहे हैं और गंभीरतम कार्रवाई होगी। जो भी नुकसान हुआ है उस सबकी रिकवरी उनके द्वारा की जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में सोमवार को दलित संगठनों के आंदोलन का आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर भी व्यापक असर रहा। सुबह से ही SC/ST के कई संगठनों के नेता डीएम कार्यालय के सामने स्थित आम्बेडकर पार्क में जुटे। यहां सभा हुई और नेताओं ने अपनी मंशा बताई। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे SC/ST का जो अधिनियम था, सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के खिलाफ जो आदेश पारित किया है उसी के विरोध में आज हमारे अनुसूचित और जनजाति के भाई यहाँ पर जो हैं उसको बहाल करने की मांग को लेकर के आज अपनी आवाज उठा रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि SC/ST अधिनियम का दुरुपयोग, पहली बात तो सदुपयोग ही नहीं हुआ तो दुरुपयोग की बात करके नाम लेकर के इस SC/ST एक्ट को कमजोर किया जा रहा है। आज हम सभी लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की ये मनमानी जिस पे सरकार का, केंद्र सरकार का पूरा दबाव है, उस वजह से SC/ST एक्ट को जो है कमजोर किया जा रहा है। सभा के बाद शहर में मार्च भी निकाला गया। इस दौरान कई जगह पुलिस बल से कहासुनी हुई। शहर रोडवेज के आगे बवाली मोड़ पर जाम भी लगाया गया। यहां शहर कोतवाल बड़ी देर तक भीड़ हटाने के लिए हांफते रहे। इसी बीच सगड़ी जियनपुर में उग्र प्रदर्शन की घटना भी शुरू हो गई थी। जिला व पुलिस प्रशासन के आला अफसरों की सूझबूझ से मामला शांत हो पाया। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से मासूमों की मौत न हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने सांसद रहते हुए कई बार आवाज उठाई थी, लेकिन तब वह प्रयास फलीभूत नहीं हो सका जो उनकी मंशा थी। आज वह यूपी के मुख्यमंत्री हैं, और आज उनकी विशेष पहल पर गोरखपुर बस्ती से लगायत आजमगढ़ तक पूर्वांचल के कुल 38 जिलों में मस्तिष्क ज्वर से बचाव का विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। सोमवार को जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने आजमगढ़ में जिला महिला अस्पताल पहुंचकर फीता काटा और दीप प्रज्वलित कर महाअभियान का शुभारंभ किया। यहां सीएमओ डॉ एसके तिवारी, डिप्टी सीएमओ डॉ संजय कुमार और सीएमएस डॉ अमिता अग्रवाल सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अफसरों ने जिलाधिकारी श्री द्विवेदी का स्वागत किया। टीकाकरण व जागरूकता पखवाड़े में कई मासूमों का टीकाकरण पहले दिन ही हो गया। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने एबीसी चैनल को बताया कि यह विशेष अभियान जेई जैसी गंभीर बीमारी के पूर्ण उन्मूलन के लिए है। इसके अलावा संचारी रोगों के बचाव का जागरूकता पखवाड़ा भी चलाया जाएगा। आज 2 तारीख से लेकर के 15-16 तारीख तक का 15 दिन का यह कार्यक्रम है,
जिसमें जेई और एईएस तथा वेक्टर बॉर्न डिजीजेज के अगेंस्ट जो है टीकाकरण का कार्यक्रम चलेगा और पूरे दो सप्ताह तक 15 दिन का साफ सफाई का विशेष अभियान चलेगा। टीकाकरण अभियान आगामी 16 अप्रैल तक चलेगा। सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी ने मीडिया को बताया कि यह सौभाग्य की बात है कि यूपी के 29 जिलों में आजमगढ़ भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक पात्र बच्चे तक पहुंचेगा और टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। 2 तारीख से 16 तारीख तक जेई टीकाकरण का अभियान चलेगा पूरे जनपद में। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में चल रहा है, आजमगढ़ भी उसमें से एक है। हमारे यहाँ जो चिन्हित बच्चे हैं 1 साल से 15 साल की उम्र के, वो 86,677 बच्चे हैं और हम 6,145 बूथ आयोजित करेंगे पूरे 15 दिन में। लगभग 414 या 415 बूथ प्रतिदिन आयोजित होगा, जहाँ पर 3 आंगनबाड़ी, आशा और ANM इनके माध्यम से बच्चों को लाया जाएगा और टीकाकरण का कार्य कराया जाएगा। टीकाकरण से एक दिन पहले उन घरों को हमारी आंगनबाड़ियां और आशाएं जाके पहले से बताएंगी कि कल टीकाकरण फला स्थल पर है और वहां पे आपको आना है टीकाकरण के लिए। दूसरा, आज एक अभियान की शुरुआत और हुई है, वो है संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा। यानी कि हम इसमें साफ सफाई पर ज्यादा जोर दें, व्यक्तिगत, सामाजिक और हमारे आसपास की, जिससे कि मच्छर जनित रोग खास करके जो अब पनपते हैं अप्रैल माह से अक्टूबर माह तक, ये ना पनपें, पानी और टंकियों में और कूलर में इन सब जगहों पे इकट्ठा ना होने दें। अन्यथा डेंगू, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, AES कोई भी केस इस तरह से मलेरिया फैल सकता है, उसके लिए भी ये पखवाड़ा चलेगा। और इन दोनों चीज़ों में अन्य विभाग के अन्य 14 ऐसे विभाग हैं जिनका समन्वय हेल्थ विभाग को मिलेगा और उनके साथ मिलकर हम लोग इसे संपन्न कराएं। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। एक अप्रैल 2005 का वह काला दिन सरकारी कर्मचारियों को आज भी याद है, जब तत्कालीन भाजपा सरकार ने उनकी बुढ़ापे की लाठी पर कुल्हाड़ी चलाते हुए उनसे पुरानी पेंशन की सुविधा छीन ली थी। 2005 से आज तक हरे उन जख्मों को लेकर अटेवा पेंशन बचाओ आंदोलन से जुड़े सरकारी कर्मचारियों ने इस बार भी 1 अप्रैल को काला दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस निकाल उन्होंने पुरानी पेंशन योजना की बहाली व नई पेंशन योजना NPS को समाप्त किए जाने की मांग की। हाथों माथों पर काली पट्टी बांध मशाल जुलूस लेकर निकले अटेवा से जुड़े सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि सरकार को अपने जीवन का स्वर्णिम काल देने वाले एक कर्मचारी से उसके बुढ़ापे की लाठी छीन लेना कहां का न्याय है, जबकि माननीयों को एक दिन की सेवा पर इसका लाभ दिया जाते रहना कितना उचित है। इस दौरान वक्ताओं ने वित्त मंत्री के हालिया बयान पर भी तंज कसते हुए कहा कि नई पेंशन योजना NPS अगर उनके मुताबिक बहुत ही अच्छी है तो वह क्यों न स्वयं इसे ले लेते और अपने मंत्रियों और विधायकों को भी प्रेरित करते। कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का झुंझुना थमाने को निंदनीय, अव्यवहारिक व गलत बताते हुए संगठन ने कहा कि जब तक सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं कर देती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग 1 अप्रैल 2005 को जो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल बंद कर दी गई थी उसी के विरोध में 1 अप्रैल को हर साल काला दिवस मनाते हैं, उसी के परिपेक्ष में आज हम काला दिवस मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये पूंजीवादी सरकारें जो हमारे पुरानी पेंशन को खत्म करके अपने लिए पुरानी पेंशन बहाल की हैं, वो होश में आए कि कर्मचारी और युवा जग गया है। अब वो अपनी पुरानी पेंशन के लिए, आज ये सैलाब बता रहा है कि वो अपनी पुरानी पेंशन के लिए किसी हद पर जाने के लिए तैयार है। आज हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए
यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस मशाल जुलूस से जो हमारे जीवन में पुरानी पेंशन बहाल करके अंधेरा लाया गया था उसको उजाले में बदलने का एक प्रतीकात्मक आंदोलन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि वो हमारा उजाला हमें वापस दे दें, नहीं तो आपके जीवन में अंधकार करने के लिए कर्मचारी अधिकारी। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। रविवार को अटलस टैंक स्थित प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज का परीक्षा फल वितरण समारोह और वार्षिकोत्सव संयुक्त रूप से धूमधाम पूर्वक संपन्न हुआ। पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव, शिक्षाविद दीनानाथ लाल श्रीवास्तव ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर व ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके बाद मंच संभालते हुए बच्चों ने समारोह में चार चांद लगा दिए। एक से एक बेहतरीन प्रस्तुतियों के जरिए उन्होंने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
समारोह के बीच पहुंचे सदर विधायक पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रबंधक सीताराम पांडे सहित अतिथिगणों ने विद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। एक दिवसीय धरने को कर्मचारी नेता रमेश शुक्ला सहित संगठन के कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे, अन्यथा आगे इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। इस धरने में अखिलेश सिंह, मनोज यादव, अनिल श्रीवास्तव, सुभाष शर्मा सहित जिलेभर के ग्राम्य विकास कर्मी शामिल रहे। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छता का संदेश लेकर आजमगढ़ के स्वच्छाग्रहियों की टोली बिहार के चंपारण जनपद के लिए रवाना हुई। सोमवार को जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने शहर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गेट के समीप से निकली इस टोली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान टोली के सदस्यों ने भारत माता की जय और स्वच्छ भारत के नारे लगाए। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी का कहना है कि जिले के ये स्वच्छाग्रही चंपारण में जाकर एक सप्ताह तक ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ भारत का संदेश देंगे, वहां के गांवों को ODF बनाने में अपना सहयोग भी देंगे। इसके पीछे उद्देश्य है कि इस जनपद के स्वच्छाग्रही जनपद चंपारण जाएंगे, 3 तारीख से 10 दिनों तक वहां रहेंगे, लोगों के बीच स्वच्छता का संदेश देंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि वो खुले में शौच जाना बंद करें और अपने आसपास सफाई का ख्याल रखें। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। साकेत पब्लिक स्कूल गढ़वा बनकट आजमगढ़ एफिलिएटेड टू CBSE,
एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन क्लास नर्सरी टू क्लास नाइन एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम वी प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फ्रॉम आजमगढ़ सिटी लेबोरेटरी स्मार्ट क्लासेस कंप्यूटर लैब एक्टिविटीज रूम लाइब्रेरी एंड प्लेइंग फील्ड स्पेशल क्लासेस फॉर एनटीएससी ओलंपियाड म्यूजिक एंड कराटे क्लासेस वर्कशॉप एंड सेमिनार स्पोर्ट्स एंड गेम्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस एम्स ऑफ स्कूल टू फास्टर कैरिंग स्टेबल एनवायरमेंट टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट टू स्टूडेंट टू लर्न इन एन ऑर्गेनाइज एंड प्लान्ड मैनर टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ मोरल सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज अवर टीम वी सेलेक्ट क्रिएटिव एंड स्किल्ड टीचर्स हु इम्पार्ट क्वालिटेटिव लर्निंग साकेत पब्लिक स्कूल गढ़वा बनकट आजमगढ़ Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Asamkar. We provide 360 degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. A special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8, Paradise International School, Kendri Vidyalaya Road, Hirapatti, Asamgarh. Aradhya Jewelers, Agrasen Degree College ke samip, Katra Saray, Ajamgarh. Shadi ke gehne, party ke gehne, diamond ke gehne, to sone chandi ke gehne. सब कुछ एक ही दुकान पर आराध्या ज्वेलर्स अग्रसेन डिग्री कॉलेज के समीप कटरा सराय आजमगढ़ 100% हॉलमार्क ज्वेलरी अरबी डिजाइन के डायमंड सेट चांदी के बर्तन तो रत्नों का भंडार भी राजकोट बॉम्बे और दिल्ली के आभूषण भी चाहिए तो चले आइए आराध्या ज्वेलर्स कटरा सराय आजमगढ़ 94-15-83-15-29 Sunbeam School Azamgarh, which aims for quest for excellence. Registration open. Admission forms are available. Sunbeam School Azamgarh is powered by Sunbeam EduServe. रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं आजमगढ़ का पहला ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट महानगरों की तर्ज पर बन रहे रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट का मानचित्र आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है शहर के मेन रोड नरोली पर बन रहे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में कमर्शियल दुकानें 2BHK और 3BHK के फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है ओपन अपार्टमेंट में मिलेगा आपको क्लब एयर कंडीशन जिम 3 हाई स्पीड लिफ्ट की सुविधा सभी फ्लोर पर सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड पार्टी और फंक्शन के लिए कवर्ड बैंकेट हॉल बेहतरीन लोकेशन एवं पार्किंग की सुविधा आसान मासिक किस्तों पर बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध करिए अपना सपना साकार शहर में बताइए अपना आशियाना फेस्टिवल ऑफर के साथ बुकिंग के लिए संपर्क करें रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड काली जोरा तिराहा रैदोपुर आजमगढ़ रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़ जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन
हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं। वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एनआईसीयू, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा, वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़। प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर अ कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर सिविल लाइन आजमगढ़। शरीर की जांच के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, महानगरों जैसी सुविधा अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। MRI ऑफ ब्रेन, स्पाइन, बॉडी एंड ज्वाइंट, सिटी स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सिटी स्कैन, हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड, डॉपलर स्टडी, डिजिटल एक्सरे, कार्डियक टैच, 2D इको, डिजिटल TMT, डिजिटल ECG, ऑल्टर मॉनिटरिंग, मेमोग्राफी, OPG, PFT एंड पैथोलॉजी। एम्बुलेंस फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल ओनली एट प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर सिविल लाइन आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध।